हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिए, हमारा ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस चैप्टर में ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल और बेडल्स रूल्स का डेरिवेशन डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में मैं आपको इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। आइए देखिए। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको ना एच एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। एच की वैल्यू किस प्रकार मैंने बताया था आपको कैलकुलेट करने का, बी माइनस ए अपॉन एन। तो देखिएगा, बी हमारा अपर लिमिट होता है, ए क्या होता है लोअर लिमिट, और डिवाइड कर रहे हैं एन। अब ये एन जो वैल्यू है वो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। ट्रेपेजोइडल के लिए अलग होता है, सिम्पसन वन थर्ड के लिए एन की वैल्यू को किस तरह से हम कंसीडर करेंगे, सिम्पसन 3/8 और वेडल रूल्स। तो इन वैल्यूज़ के लिए मैं आपको यहाँ थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ। तो देखिएगा, नंबर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरवल्स, पहला फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या था, ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा ट्रेपेजोइडल रूल, तो ट्रेपेजोइडल रूल का जब मैंने डेरिवेशन कराया था स्टूडेंट, आप लोगों को ध्यान होगा वहां पर हमने एन बराबर क्या पुट किया था, वन पुट किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा, ट्रेपेजोइडल रूल के लिए एन की वैल्यू को आप इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से आप कंसिडर करेंगे। ठीक है, दूसरा फार्मूला था हमारा सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा सिम्पसन्स वन थर्ड रूल के लिए अगर मैंने जब ये डेरिवेशंस कराया था वहाँ एन के प्लेस पर क्या पुट किया था, टू का इंटरवल्स चल रहा था ये, तो एन इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 इसके अकॉर्डिंग हम एन को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा इसलिए आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपका आता है सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है, सिम्पसन्स 3/8 रूल, तो देखिए 3/8 रूल में आप ये जो कंसीडर करेंगे तो एन इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12, ठीक है, इस तरह से कंसीडर करेंगे। और लास्ट फार्मूला हमने आपको बताया था वेडल्स रूल। तो शुरू देखिएगा, वेडल्स रूल्स में आपने ना एन इक्वल्स टू क्या पुट किया था, 6, इसमें 6, फिर 12, फिर आपका 18। तो स्टूडेंट आपको ना ये वैल्यूज़ को कुछ ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में आपको ना हेल्प करेगा। तो आप देख रहे हैं, जैसे अगर बाय सपोज कोई क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए कि भाई ट्रेपेजोइडल से भी करिए, सिम्पसन वन थर्ड से भी सॉल्व करिए, सिम्पसन 3/8 और बेडल रूल से, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या रहा, 6, 6, 6 और 6, तो एन इक्वल्स टू आप 6 ले सकते हैं। ठीक है ना, तो वो टेबल सभी वैल्यू के लिए अप्लीकेबल होगा। तो देखिए इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, इस इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है किसके हेल्प से, सिम्पसन्स वन थर्ड एंड सिम्पसन 3/8 रूल। आपको इस क्वेश्चन की वैल्यू को ना कैलकुलेट करना है किसके हेल्प से, सिम्पसन वन थर्ड एंड सिम्पसन 3/8 रूल। फिर कह रहे हैं कि इस इंटीग्रल से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसी के हेल्प से आपको ना पाई की वैल्यू इन ईच केस, प्रत्येक केस में आपको पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, सिम्पसन्स वन थर्ड एंड सिम्पसन 3/8 रूल। जस्ट मैंने आपको अभी समझाया है कि हम जो इंटरवल्स लेते हैं सिम्पसन वन थर्ड में, वो क्या बताया था मैंने आपको, 2, 4, 6, और सिम्पसन 3/8 में आपको क्या अभी बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ इंटरवल्स जो हम कंसिडर करेंगे सिम्पसन 3/8 में वो क्या था, 3, 6, 9। तो आप स्टूडेंट देखिएगा, सिम्पसन वन थर्ड या सिम्पसन 3/8, इन दोनों में जो वैल्यू कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है। तो इसकी रेंज को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि n इक्वल्स टू 6 सिम्पसन वन थर्ड में भी आ रहा है और सिम्पसन 3/8 में भी आ रहा है। तो स्टूडेंट इसको इस तरह से लिखिएगा डिवाइड, ठीक है, हमने लिखा है कि डिवाइड द होल रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की जो होल रेंज है उसको ना 6 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये यह हुआ कि n बराबर क्या लेना है आपको, 6 लेना है आपको ना। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, h। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको ना h जो फॉर्मूला डेरिवेशन कराया था उसके अकॉर्डिंग h बताया था, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, v माइनस a अपॉन n। v मीन्स होता है हमारा अपर लिमिट और a मीन्स क्या होता है, लोअर लिमिट। देखिए अपर लिमिट कितना है, 1, तो 1 माइनस लोअर लिमिट कितना है, 0, और n इक्वल्स टू क्या लिया आपने, 6, तो h की वैल्यू कितना आ गया, 1/6, ठीक है। तो इस तरह से हम h को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा एक टेबल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये फंक्शन आपको क्या दे रखा है, 1/1 + x². तो स्टूडेंट देखिएगा, इनिशियल वैल्यू को हम x नॉट, तो लोअर लिमिट कितना है हमारा, 0, तो ये x नॉट कितना हो गया आपका, 0। फिर स्टूडेंट देखिएगा x1, ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा x1 किस तरह निकालेंगे, x नॉट प्लस h। देखिए x नॉट कितना है, 0, 0 प्लस h, h कितना आ गया, 1/6। फिर स्टूडेंट देखिएगा x2,
तो किस तरह से एक्स नॉट प्लस टू एच, एक्स नॉट कितना है जीरो, तो ये कितना आ गया टू वाई सिक्स। फिर स्टूडेंट देखिएगा एक्स थ्री, एक्स नॉट प्लस थ्री एच, तो स्टूडेंट आ गया आपका थ्री वाई सिक्स। फिर स्टूडेंट देखिएगा एक्स फोर, एक्स नॉट प्लस फोर एच, तो ये कितना आपका आएगा फोर वाई सिक्स। फिर स्टूडेंट देखिएगा एक्स फाइव, एक्स नॉट प्लस फाइव एच, तो ये आपका फाइव वाई सिक्स। फिर स्टूडेंट देखिएगा आप एक्स सिक्स, एक्स नॉट प्लस सिक्स एच, तो सिक्स अपॉन सिक्स सिंपल कितना आ गया आपका वन। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को निकालेगा। देखिए x की वैल्यू यहां पर कितना है जीरो, तो यहां जीरो पुट करेगा वन अपॉन वन प्लस जीरो स्क्वायर, सिंपल सी बात है, तो वन अपॉन वन कितना आ गया वन। ठीक है, इसी तरह से इसको पुट करेगा वन प्लस, देख रहे हैं x वन की वैल्यू कितनी वन बाय सिक्स, यहाँ वन बाय सिक्स पुट करेंगे आप तो ये क्या होगा वन अपॉन थर्टी सिक्स, तो थर्टी सिक्स अपॉन थर्टी सेवन। और स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू पुट करते जा रहे हैं हम, ये कितना है टू वाई सिक्स, टू वाई सिक्स मीन्स कितना होगा आपका वन बाई थ्री, वन बाई थ्री का स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन नाइन, तो नाइन अपॉन टेन। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करेगा। फिर देखिएगा वन प्लस क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना होगा वन बाई टू, तो ये वन बाई फोर आपका फोर अपॉन फाइव। फिर स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट वैल्यू वन प्लस एक्स की वैल्यू कितना होगा आपका टू वाई थ्री, तो टू वाई थ्री का स्क्वायर करेंगे आप फोर अपॉन नाइन, तो स्टूडेंट देखेंगे नाइन और अपॉन थर्टीन। फिर स्टूडेंट देखिएगा वन अपॉन ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स सिक्सटी वन, तो थर्टी सिक्स अपॉन सिक्सटी वन। नेक्स्ट स्टूडेंट वैल्यू देखिएगा वन अपॉन वन प्लस वन, ठीक है, तो वन अपॉन टू। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा टेबल आ गया, और आप लोग जानते हैं कि इस पेपर में हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप इस पूरी कैलकुलेशन को ना कैलकुलेटर से करिएगा। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है सिम्पसन्स वन थर्ड और सिम्पसन थ्री बाई एट रूल। तो फर्स्टली हमने यहाँ सिम्पसन्स वन थर्ड रूल को ये लिखा है, ये सभी फॉर्मूले हमने ना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो आप लोग उस लेक्चर को पहले देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये हमने ना फॉर्मूले को लिखा है यहाँ पर। अब स्टूडेंट ये देखिएगा, ये जो टेबल है, सपोज ये एक्स नॉट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितना आएगा वाई नॉट, इसके करस्पॉन्डिंग वाई वन, इसके करस्पॉन्डिंग वाई टू, इसके करस्पॉन्डिंग वाई थ्री, और इसके करस्पॉन्डिंग वाई फोर, और इसके करस्पॉन्डिंग वाई फाइव, इसके करस्पॉन्डिंग वाई सिक्स, ये वैल्यू आ गया है। अब आप स्टूडेंट देखिएगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, सबसे लास्ट में कितना आ रहा है वाई सिक्स। तो स्टूडेंट जैसे हमारा फॉर्मूला है वाई नॉट प्लस वाई एन, वाई नॉट तो हमारा ये हो गया इस टेबल के अकॉर्डिंग, और वाई एन के प्लेस पर क्या आएगा वाई सिक्स। ठीक है, और y1, y3, तो देखिएगा y1, y3, ये आ रहा है y5, ठीक है, वो वैल्यू आपका यहाँ आएगा। फिर क्या रहा y2, y4, तो स्टूडेंट देखिएगा y2 और y4 आगे की वैल्यू नहीं है, उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये सब वैल्यू हमें ना टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट देखिएगा, करते हैं इसको, आप यहाँ देखिए x नोट कितना है आपका जीरो, तो जीरो लिखिए, x नोट कितना है आपका जीरो, n आपने कितना लिया था सिक्स, और h कितना लिया था वन, ये क्या लिखा है y, y मतलब आपका ये फंक्शन क्या दे रखा है, वैल्यू रखते हैं वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और dx। फिर स्टूडेंट देखिएगा ये क्या रहा है h, h का वैल्यू देखिएगा कितना है आपका वन बाई सिक्स, ये हमने लिखा वाई नॉट प्लस वाई एन, वाई एन का मतलब सबसे लास्ट टर्म कितना है हमारा वाई सिक्स, इसको वाई सिक्स लिख दीजिएगा फोर, फिर आपका वाई वन प्लस वाई थ्री, ठीक है ना, एक वैल्यू और आएगा वाई थ्री के बाद देखिएगा वाई फाइव। तो इन वैल्यूज को ना टेबल के अकॉर्डिंग हमें पुट करना है। फिर स्टूडेंट देखिएगा प्लस का टू, फिर देखिएगा वाई टू वाई फोर, देख रहे हैं वाई टू एंड वाई फोर, ये आ रहा वाई सिक्स नहीं लेंगे क्योंकि वाई सिक्स आपका ये आ चुका है वाई एन। ठीक है, तो ये देखिएगा वाई टू प्लस वाई फोर ये रखिएगा, तो आप ये देखिएगा जीरो टू सिक्स, क्वेश्चन आपका बन चुका है इंटीग्रल का डी एक्स अपॉन वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन सिक्स। वाई नॉट की वैल्यू को देखिएगा कितना है वन प्लस y6, देखिएगा y6 की वैल्यू है आपके पास 0.500, फिर आपका आता है 4y1, y1 देखिएगा कितना है 0.972979, ठीक है, इसके बाद देखिएगा y3, y3 आपका कितना है 0.800, y आफ्टर y3 कितना है y5, y5 आपका आ रहा है 0.051639। और स्टूडेंट ये देखिएगा प्लस का टू क्या आता है y2 y4, y2 की वैल्यू आपके पास ये है 0.9000 एंड y4, y4 देखिएगा कितना है आपका 0.69,
और 23076, ठीक है, ये आ गया। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेटर इस पेपर में आपका अलाउ है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिएगा 1/6, तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमने सब इसका कैलकुलेशन किया, तो सिम्पसन 1/3 से इसका जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 0.785937, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा वर्किंग रूल है इसका, सिम्पसन 1/3 रूल को अप्लाई करने का। अब स्टूडेंट देखिएगा वैसे तो इस क्वेश्चन में ये भी कह रखा कि आपको ना दोनों केसेस में पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना, चलिए इसमें पाई की वैल्यू भी बताता हूँ इस केस में आपको, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा ये लिखा ना कि पाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है इन ईच केस, दोनों केसेस में आपको पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो देखिए पाई का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, देखिएगा ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, इसको आप इंटीग्रल कर सकते हैं इजिली, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x 0 to 6। नेक्स्ट पॉइंट ये 0 to 1 आएगा, 1, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई, सही कर लेना, 0 to 1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिएगा 0.785397, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करिएगा, अपर लिमिट कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 0.785397, आप जानते हैं tan इनवर्स 1 क्या होता है हमारा पाई बाई 4, tan इनवर्स 0 0.785397, आपको पाई का वैल्यू कैलकुलेट करना 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट सिम्पसन 1/3 से पाई का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 3.141596, तो ये सिम्पसन 1/3 को तो हमने अप्लाई कर लिया। अब हम यूज़ करते हैं सिम्पसन 3/8, देखिएगा स्टूडेंट ये हमने सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब इसको सिम्पसन 3/8 से करते हैं, तो आप देखिएगा x0 वैल्यू कितना है आपका 0, और 0 ये लिखा, n क्या लिया आपने 6, और h की वैल्यू कितनी 1/6, y आपने किसको कंसीडर किया था 1/1 + x² dx, ठीक है स्टूडेंट देखिएगा। अब आप ये देखिएगा जैसे y0 + yn हमारा लास्ट टर्म कितना है y6, तो आप यहाँ y6 पुट करिएगा yn के प्लेस पर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा y1, y2, y4 और ये जो 2 के मल्टीप्ल 2 के जो ब्रैकेट में मल्टीप्ल में आ रहा है वो 3 का मल्टीपल चल रहा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिएगा y0 और y6 तो हमने ले लिया, y1 आएगा आपका ये y1 + y2, ठीक है, और कहाँ तक y4 and y5, आगे तो वैल्यू नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। फिर आप देखिएगा प्लस का 2 मल्टीप्लाई में क्या आ रहा y3, तो ये देखिएगा y3, फिर क्या आ रहा y6, y6 हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि y6 ऑलरेडी हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, तो सिंपल एक ही टर्म आपका, एक सिंगल टर्म आएगा y3, ये वैल्यू आ गया। तो स्टूडेंट देखिएगा ये 6 से 6 कैंसिल, तो लिमिट कितना हो गया 0 to 1, जो हमारा इंटीग्रल का लिमिट है 1/1 + x² dx, ठीक है। अब आप देखिएगा 3h/8 h का वैल्यू देखिएगा कितना है, h का वैल्यू है आपका 1/6, ठीक है, और ये वैल्यू इसको रखते जाइए, y नॉट की वैल्यू देखिएगा कितना है आपका 1 + y6 कितना है आपका 0.500, फिर स्टूडेंट देखिएगा 3y1 देखिएगा कितना है 0.97297 29729, फिर आपका क्या आता है y2 देखिएगा कितना है 0.900, ठीक है, y2 के बाद देखिएगा फिर क्या आता है हमारा y4 देखिएगा कितना है 0.692306, ठीक है, उसके बाद देखिएगा y5 कितना है आपका 0.59016 एंड 39, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या आता है 2y3 की वैल्यू देखिएगा कितना है 0.8000। अब स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन आप करिएगा 0 to 1 1 + x² dx, तो स्टूडेंट देखिएगा इस सिम्पसन 3/8 रूल से इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 0.785395, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखिए इस केस में भी हम पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा ऑल्सो देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका आएगा tan इनवर्स x 0 to 1 0.785395, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 0.785395, 10 वर्स 1 मीन्स कितना होता है पाई बाई 4 0.785395,
और पाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0.785 3958 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा पाई का वैल्यू क्या निकल के आ रहा, 3.141 5835। तो दोनों केसेस में हमने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट ये हमारा मेथड था सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 को अप्लाई करने का। देखिएगा स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इंटीग्रल क्या है हमारा, 0 to π/2 sin x dx वाई ट्रेपेज्यूडल रूल। किसका यूज करना है हमें, ट्रेपेज्यूडल रूल का, यूजिंग 11 ऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन थोड़ा हिंट दे रखा है आपको ना, यहाँ पर 11 ऑर्डिनेट्स आएंगे आपके, ठीक है ना। तो 11 ऑर्डिनेट्स कब आएंगे, जब n इक्वल टू आप 10 लेते हैं। देखिए n के अगर वैल्यू हम 10 लेंगे तभी हमारे पास क्या आएंगे, 11 ऑर्डिनेट्स। अगर हम n इक्वल टू 6 लेते हैं तो ऑर्डिनेट्स कितना आएगा, 7। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो हम n के वैल्यू को कंसीडर करते हैं तो उससे एक अधिक हमारा क्या आता है, ऑर्डिनेट आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ ऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 11, तो इसलिए n इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा आपको, 10। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका सॉल्यूशन, इसकी रेंज को डिवाइड करते हैं, हमने लिखा है डिवाइड द होल रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स में इसकी रेंज को आप डिवाइड करिएगा। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ n इक्वल्स टू क्या लेना आपको, 10। तब आप देखिएगा आप क्या कैलकुलेट करेंगे, h कैसे कैलकुलेट करेंगे, v माइनस a अपॉन n। v मीन्स क्या है हमारा, अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट कितना है 0, और h आपका कितना आ रहा है 10। तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू कितना आ गया, पाई अपॉन 20। अब आप एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करिएगा यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट स्टार्टिंग करते हैं हम एक्स नॉट, ठीक, एक्स नॉट देखिएगा हमारा लोअर लिमिट कितना है हमारा 0, तो ये एक्स नॉट कितना आ गया आपका 0। स्टूडेंट देखिएगा इसके बाद क्या आएगा, एक्स वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट कितना है 0, और एच देखिएगा कितना आया आपका, पाई अपॉन 20। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गया पाई अपॉन 20। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा वैल्यू आता है x2, तो x2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x नॉट प्लस 2h। देखिए h कितना है, x नॉट तो 0 है, h कितना है हमारा पाई अपॉन 20। तो स्टूडेंट ये वैल्यू हो गया 2π/20। फिर स्टूडेंट देखिएगा आपका आएगा x3 कितना है, x नॉट प्लस 3h। तो स्टूडेंट देखिएगा 3π/20। फिर आपका आता है x4 क्या आएगा, x नॉट प्लस 4h, तो ये 4π/20। नेक्स्ट आपका आता है x5, तो ये आएगा x नॉट प्लस 5h, तो ये आपका आएगा 5π/20। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा आता है x6, तो ये x नॉट प्लस 6h, तो ये वैल्यू आएगा 6π/20। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा x7 आपका ये आएगा x नॉट प्लस 7h, तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू आपका आएगा 7π/20। फिर आपका आता है x8, तो x नॉट प्लस 8h, ठीक है, इस तरह से देखिएगा तो स्टूडेंट ये आएगा 8π/20। फिर स्टूडेंट देखिएगा x9, फिर x नॉट प्लस 9h, फिर आपका ये आएगा 9π/20, और एक वैल्यू और आएगा आपका लास्ट में, एक वैल्यू और आएगा x10। तो स्टूडेंट ये देखिएगा आपका आएगा x नॉट प्लस 10h, तो ये वैल्यू स्टूडेंट आपका आएगा 10π/20। ठीक है, देखिएगा इन्होंने कहा था 11 ऑर्डिनेट्स, काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑर्डिनेट आ रहा है। तो 11 ऑर्डिनेट कब आ रहा है, जब n इक्वल टू आपने क्या लिया था 10। तो ध्यान रखिएगा अगर आप जो भी n वैल्यू लेते हैं तो उससे एक अधिक आपका ऑर्डिनेट्स आएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा। देखा पहले वैल्यू कितना है 0, आप यहाँ रखिएगा sin 0, तो sin 0 आपका क्या होगा 0। ठीक है, इसी तरह से ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे sin π/20 और sin 2π/20, सिंपल सा π/10 लिख सकते हैं आप। फिर आप देखिएगा नेक्स्ट वैल्यू आपका sin 3π/20, ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू फिर आप देखिएगा sin π/5 से हम डिवाइड कर, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5। फिर स्टूडेंट ये देखिएगा आपका sin 5π/20, फिर स्टूडेंट ये देखिएगा आप sin 6π/20, ठीक ना, ये सब वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। फिर स्टूडेंट ये देखिएगा आप sin 7π/20, और फिर स्टूडेंट ये देखिएगा sin 8π/20, 9π/20, 10π/20। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने ना ट्रेपेज़ियोडल रूल का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया है। और फिर आप देखिएगा
ये वैल्यू जैसे ये एक्स नॉट है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हमारा वाई नॉट, और ये वैल्यू वाई वन, ये वैल्यू वाई टू, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाई थ्री, ये आपका वैल्यू वाई फोर, और इसके करस्पॉन्डिंग वाई फाइव, वाई सिक्स, इस तरह से नोट कर लीजिएगा वाई सेवन, वाई एट, वाई नाइन, एंड लास्ट में ये वैल्यू कितना है वाई टेन। इस तरह से हमने ये वैल्यू को नोट कर लिया है। तो स्टूडेंट ये देखिएगा y नॉट प्लस वाई एन, वाई नॉट मीन्स कितना हो गया जीरो, वाई एन मीन्स क्या हो गया हमारा वाई टेन, तो वाई एन के प्लेस पर हम क्या रखेंगे वाई टेन, बाकी का ये वाई वन, वाई टू, ये वाई थ्री कहाँ तक जाएगा आपका वाई नाइन तक, इस वैल्यू को लिखिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा x नॉट की वैल्यू कितना है जीरो, x नॉट की वैल्यू जीरो, और n, n इक्वल्स टू आप क्या ले रहे हैं यहाँ पर टेन, और h मीन्स इंटरवल, इंटरवल आपने देखिएगा क्या निकाला है यहाँ पर पाई अपॉन ट्वेंटी, ठीक है ना, h की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। y, y आपने किसको कंसीडर किया है साइन x और dx, ठीक है, वन अपॉन टू, फिर आप देख रहे हैं h, तो h के प्लेस पर आप क्या रखेंगे पुट करेंगे यहाँ पाई अपॉन ट्वेंटी। तो स्टूडेंट देखिएगा y नॉट प्लस क्या आता है y n के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे y 10। तो स्टूडेंट ये देखिएगा बाई वन बाई टू कहाँ से कहाँ तक जा, लास्ट में जा रहा है वाई एन माइनस वन, तो वाई एन माइनस वन क्या होगा हमारा वाई नाइन, तो ये वैल्यू रखिएगा टू वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स, ठीक है, और ये वाई सेवन, वाई एट, एंड लास्ट में वाई नाइन, ये वैल्यू को हमने लिखा। तो स्टूडेंट देखिएगा ये कैलकुलेशन करेंगे तो जीरो से पाई वाई टू और साइन एक्स डी एक्स, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं देखिएगा पाई अपॉन 40, ये हमने लिखा। वाई नॉट की वैल्यू को देखिएगा कितना है आपका जीरो, वाई टेन देखिएगा कितना है आपका वन, ठीक है ना, ये देखिए वाई टेन कितना है आपका वन, और बाकी की वैल्यूज को यहाँ पुट करेगा टू, वाई वन देखिएगा कितना है आपका पॉइंट वन फाइव सिक्स फोर थ्री, फिर क्या आता है वाई टू पॉइंट थ्री जीरो नाइन जीरो टू, y2 के बाद क्या आता है y3 0.45399, ठीक है, y3 के बाद देखिएगा y4 की वैल्यू कितनी है 0.58779, और इसके बाद देखिएगा y5 0.70711, इसके बाद देखिएगा y6 0.80902, और उसके बाद ये देखिएगा आपका हाँ वाई सेवन का वैल्यू हमने पुट कर दिया है, उसके बाद आता है वाई एट 0.95106, और उसके बाद देखिएगा वाई नाइन देखिएगा कितना है 0.98769, ठीक है, इन वैल्यूज को हमने यहाँ पुट कर दिएगा। अब ये सभी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करिएगा, जीरो से पाई फाइव टू। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारे पास वैल्यू जीरो से पाई बाई टू से इंटीग्रल का साइन एक्स डी एक्स 0.9979, ये वैल्यू निकल कर आया आपका, ठीक है, तो ये मेथड था हमारा ट्रेपेजोइडल रूल को अप्लाई करने का। देखिएगा स्टूडेंट हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल है 0 to 6 डी एक्स अपॉन 1 + x², इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है किसके हेल्प से, वेडल्स रूल्स। तो मैंने आपको सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन 3/8 और ट्रेपेजोइडल रूल्स पर क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था, ये क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, वेडल्स रूल्स के ऊपर। तो देखिए वेडल्स रूल्स में भी हमने पुट किया था n इक्वल्स टू 6, फिर 6 आफ्टर 6 12, 6 6 का डिफरेंस चलता है, तो n इक्वल्स टू 6 ले लीजिए आप यहां पर, ठीक है, तो लिखिए डिवाइड द होल रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इस इंटीग्रल की रेंज को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, 6 इक्वल पार्ट्स में। तो देखिए आप एच कैलकुलेट करेंगे तो वी माइनस ए अपॉन एन, वी मीन्स 6 माइनस 0 अपॉन 6, कितना गया h, h कितना गया 1। अब आप ना टेबल को बनाइएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हमने टेबल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, देखिएगा x इनिशियल वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू हमारी आ गई x नॉट, तो x नॉट कितना है हमारा 0, तो ये 0 आ गया है, आफ्टर दिस क्या आएगा x नॉट प्लस h, तो देखिए x नॉट कितना है 0, h कितना आ रहा आपका 1, ठीक है, फिर आप देखिएगा x2, x नॉट प्लस 2h, तो ये वैल्यू आपका आएगा 2, x3 आपका आएगा x नॉट प्लस 3h, तो 3, और x4 आपका आएगा x नॉट प्लस 4h, तो ये 4, फिर आप देखिएगा x5, x नॉट प्लस 5h, ये 5, एंड x6, x नॉट प्लस 6h, कितना गया 6।
ठीक है, तो ये देखिए अपर लिमिट कितना है, 6, लास्ट में 6 आ गया आपका, 0 to 6। अब इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, 1/1 + x, x की वैल्यू कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 1/1 सिंपल 1। नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा, 1/1 का स्क्वायर 1, तो आपका 1/2। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट देखिएगा, 1/1 क्या लिखा है, x के प्लेस पर कितना है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1/5। फिर आप देखिएगा 1/1 + 9, तो ये कितना आएगा 1/10। फिर आप देखिएगा 1 + x² = 16, तो 1/17। फिर आप देखिएगा 1/5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, तो 1/26। फिर आप देखिएगा 1/1 + 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, तो 1/37। ठीक है, ये आ गया है। देखिए स्टूडेंट, ये हमने ना वेडल्स रूल्स लिखा है, ये हमारा वेडल्स रूल्स है। अब आप इसमें देखिएगा, ये आपका कितना है, y0 + 5y1 y2 6y3 y4 y5 2 y6। आप इसमें वैल्यू में देखिएगा, जैसे ये हमारे फर्स्ट वैल्यू है, इसको हम कहेंगे y0, और इस वैल्यू को आप y1 कहेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को y2, ये आपका y3 और ये आपका y4 y5 एंड y6 ये आ जाएगा। तो देखिएगा लास्ट वैल्यू क्या रहा, y6। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ तक अप्लाई करेगा, y6 तक। तो ये वैल्यू इसको रखिएगा, x नॉट देखिएगा कितना है आपका 0, x नॉट 0 है, n इक्वल्स टू कितना है 6, और h की वैल्यू कितना है 1। y की वैल्यू देखिएगा 1/1 + x² dx, 3y10। फिर आप देख रहे हैं h की वैल्यू कितना है आपका 1। फिर आप देखिएगा इस फॉर्मूले को लिखना है y0 + 5y1 + y2 + 6y3 + y4 + y5 + 2y6, y6 तक इसको अप्लाई करना है आपको, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारा y6 ही आ रहा है। तो स्टूडेंट देखिएगा, 0 से 6 ये आपका इंटीग्रल बन चुका है, जिसकी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा 3/10। फिर आप देख रहे हैं y0 की वैल्यू कितनी है 1 + 5y1 0.5000। फिर आप देखिएगा y2 0.2000। फिर आप देखिएगा 6y3 0.1000। फिर स्टूडेंट देखिएगा y4 कितना है आपका 0.588235। फिर आप देखिएगा y5 कितना है आपका 5 × 0.3845615। फिर आप देखिएगा 2y6 की वैल्यू कितनी है 0.02702070। इन वैल्यूज को हमने यहाँ पुट अप कर दिया, अब इसकी कैलकुलेशन करिएगा आप। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये इन सब कैलकुलेशन को करने पर हमारा इस इंटीग्रल का वैल्यू निकल कर आ रहा है 0 to 6, जो हमारा इंटीग्रल है 0 to 6, 1/1 + x² वैल्यू क्या आ रहा है 1.373474। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा मेथड होता है वेडल्स रूल्स को अप्लाई करने का। सो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैंने आपको ट्रेपेज़ोइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड, सिम्पसन 3/8 और वेडल्स रूल्स पर जितने हमारे क्वेश्चन थे, सभी फॉर्मूले पर एक एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। आप लोग और भी क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरा फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, तो आप ना पहले से प्रीवियस लेक्चर को पहले आप देखिएगा, जिसमें हमने फॉर्मूले को ड्राइव किया है, तभी आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।